वह मोदी जी वह, अगर ये ट्रेलर था तो पिक्चर कितनी भयावह होगी। बेरोजगारी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आप कहते हैं वो ट्रेलर। पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर। 400 का गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार कर दिया, फिर भी कहते हैं ये ट्रेलर है। देश को 2,00,000 करोड़ के कर्जे में डुबा दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर। महंगाई बढ़ाकर पूरे देश को कंगाल बना दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर। किसानों पर गोलियां बरसाई गई, गाड़ियों से रौंदा गया और फिर भी आप कह रहे हैं वो ट्रेलर। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया, कह रहे हैं ये ट्रेलर है। महिला पहलवानों को सड़क पर पिटवाया और फिर भी आप कह रहे हैं वो ट्रेलर। भूखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से बुरे हालात कर दिए और कह रहे हैं ये ट्रेलर है। देश का सारा पैसा अपने दोस्तों को सौंप दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर। ईडी सीबीआई आईटी को अपना गुलाम बनाया और कहते हैं ये ट्रेलर है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया और कहते हैं वो ट्रेलर। चीन को भारत में घुसने दिया और कह रहे हैं वो ट्रेलर। पेपर लीक कराए, युवाओं पर डंडे बरसाए और फिर भी कह रहे हैं वो ट्रेलर। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला और कहते हैं ये ट्रेलर है। विपक्षी सांसदों को संसद से बाहर निकाला, कहते हैं वो ट्रेलर। कांग्रेस के बैंक खाते बंद किए, फिर भी कहते हैं वो ट्रेलर। बस मोदी जी बस, ये ट्रेलर था तो हम आपको एक और मौका नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर ट्रेलर इतना खतरनाक है तो फिल्म कितनी भयावह होने वाली है। अगर आपने अब की बार मोदी को चुना तो आपकी थाली से रोटी भी छिन जाएगी, नौकरी और रोजगार तो भूल जाइए। जो प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से सिर्फ जुमले सुना रहा हो, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहा हो, आपके रोजगार छीन रहा हो, भारत की सरहदें सुरक्षित ना रख पा रहा हो, उसे तीसरी बार सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। बिलीव आवर कलेक्टिव प्रायोरिटीज आर क्लियर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एसेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our